फोकट वाले का ईसा भेज दे री माता जो रथ ने ठीक चलावे ब्रह्म नाला नह तू संग में रण में भेद बतावे रंगित के रथ हाँ के गारी यो तो बैठा लालियावे रंगित के रथ सुरेश शास्त्री जी सुजापुर से अपने बच्चों का मान सम्मान करते बार बार धन्यवाद धन्यवाद। और सजनो दूसरी कले में नौकर लागे इतना बड़ा छतरी मत बना तू के माँ क्यों कि जो बोर घर के अंदर मारे बेटे लड़ना भी जाना पड़ेगा और आगे बेरा पट जाएगा तने कौन कौन सारथी जब दुर्योधन करण विषम पिता में द्रोणाचार्य अश्वत्थामा कृपाचारी देखेगा तेरे रोंग पाट जाएंगे। और दूसरी कले में सजनो क्या कहने देंगे क्या बता दिया युद्ध में देखा तीर चले एक दूर पर रथ डट जागा आज कहु कल उतरा ले जा सबने बेरा पट जागा विराट भूप का लड़का जाके हे सबके शरण काटेगा विराट भूप के लड़का जाके सबके शरण काटेगा जब को रब गल पाटेगा पहुंचे जाके ठोस
बोलिए तने किसा सारथी चाहिए है सजनो तो डिमांड बताओ नु कहना तने किसा सारथी चाहिए जन नु गण लाके करी मां को आज का लोड़ा में भेज दे उस समय के सजनो पांच चार सारथी सबसे ज्यादा मजबूत बताए और एक सारथी और था राजा सलीम वो पांडवों की तरफ आ नहीं सकता कभी भी उनका समझौता ही नहीं हो सकता लेकिन वो चार सारथी थे नु बोले वो ला दूं नु बोली मां नु तने मत मारे और तीसरी कली मनु को लगी वो सारथी कैसे किन के नाम बता दिए क्या बता दिया हा? बिल्कुल भी आना कोन्या ओए उसका क्यों जिक्र करी के औरत ने पाना कोन्या इंदर के माधुरी का मारे घर ठिकाना कोन्या ये इतनी तने मेरे मारे मतना मैं मा जाता याना कोन्या तेरी बड़ी गौर से सुनूंगा सुन मेरी बात ध्यान से सुनाओ इतने इतने बड़े तने मत मार तू कृष्ण का सारथी ला दे इंद्र का सारथी रे आज का लड़ा मत दे दे कोई काम चल जा आज का लड़े हां इस रथ ने घीस ले जा दरबार उस युद्ध के अंदर मैंने उल्टा लिया हुए ना ना ईसा सारथी दूंगी हाँ। जो कति तेरा काम बना के आवे मेरा काम बनाओगा कहिए और सुन ले रथ बान बारूद उसकी देख बाट रहे बिन राजा के परचा मता बिल्कुल पार बाटी रहे तू परण का नल बाहुक और बिल्कुल भी ना काट रहे और उनमें इन्हें मिला बैठी कब रोता फिर भी काट रहे उनमें भी